Good morning class. This is our new genetics class in which today we will study about the chromosomal aberration. Actually हमने अपनी last class के अंदर gene mutation पढ़ा था. तो gene mutation में ही मतलब हमने mutation पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने कहा था ये mutation genes में भी हो सकते हैं और chromosomes में भी हो सकते हैं. जो जीन म्यूटेशन था वो हमने उस लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था. उसी के अंदर जो दूसरा टॉपिक था क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो हम आज पढ़ने वाले हैं. क्रोमोसोमल म्यूटेशन को ही हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं. और ये क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में किसी भी तरह का कोई वेरिएशन आ जाता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं. क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर में किसी भी तरह का वेरिएशन आ जाए जो क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है. इसमें क्रोमोसोम के पूरे पूरे सेट के नंबर में चेंज आ सकता है या हो सकता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए. अगर पूरे सेट में चेंज आता है तो उसको हम प्लॉयडी कहते हैं और अगर इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है तो उसको हम सोमी कहते हैं. ये पॉइंट मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया था, पढ़ाया था कि भाई सेट में चेंज आ रहा है या उसके नंबर में चेंज आ रहा है तो प्लॉयडी और सोमी कहलाता है. यह हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर में नहीं उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी अपीयरेंस में चेंज आ जाए म्यूटेशन की वजह से, इंड्यूस रीअरेंजमेंट के कारण जो है हो सकता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो चेंज हो जाए. और ये जो चेंजेस हैं चाहे वो स्ट्रक्चर का चेंज हो चाहे नंबर का चेंज हो यानी न्यूमेरिकल चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये दोनों ही जेनेटिक डिजीज से जुड़ी हुई कंडीशन है या इसकी वजह से स्पीसीज डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहा होता है. फिश और बैंडिंग ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम क्रोमोसोमल एबरेशन को, एबनॉर्मैलिटी को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, एबरेशन भी कह सकते हैं, तो इस क्रोमोसोमल एबरेशन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं दो टेक्निक्स के थ्रू, फिश और बैंडिंग टेक्निक्स. अब सबसे पहले हम पढ़ रहे स्ट्रक्चरल एबरेशंस. क्रोमोसोमल एबरेशन जिसके अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऑल्टर्ड हो जाती है जैसे कि जीन्स का सीक्वेंस चेंज हो जाना या नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो जाना, काइंड ऑफ जीन्स चेंज हो जाना, ये सारे स्ट्रक्चर एबनॉर्मैलिटी होती है. इसको अपन स्ट्रक्चरल एबरेशंस कहते हैं. स्ट्रक्चरल एबरेशंस में जीन्स के नंबर और जीन्स की लोकेशन दोनों चेंज हो सकते हैं. जीन्स के नंबर में या तो डिलीशन हो जाए यानी कमी आ जाए, डेफिशिएंसी भी इसको कह सकते हैं, जैसे टर्मिनल और इंटरकैलरी, या फिर वो डुप्लीकेट हो जाए, या तो डिलीट हो जाए या डुप्लीकेट यानी डबल हो जाए, जैसे इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन भी देखने को मिल सकता है. जीन्स की लोकेशन में क्या चेंज आ जाएगा, या तो इन्वर्जन हो जाएगा या ट्रांसलोकेशन. इन्वर्जन फिर दो तरह का होता है, पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक, और ट्रांसलोकेशन भी दो तरह का, इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल. तो हम चार चीजें इसमें पढ़ेंगे, डिप्लीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशंस के अंदर. ये देखिए स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी, ट्रांसलोकेशन जो आपको दिखाई दे रहा है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम से हमने यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर से क्रोमोसोम के पेयर्स को इंडिकेट किया है. तो आप देखिए ट्रांसलोकेशन में ग्रीन वाले का एक टुकड़ा टूट करके रेड में जुड़ गया और रेड का टुकड़ा टूट करके ग्रीन में जुड़ गया, इसको अपन ट्रांसलोकेशन कहते हैं. रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है भाई ये. दूसरा डिलीशन कि भाई एक आर्म का छोटा सा टुकड़ा जो है वो डिलीट हो गया, क्रोमोसोम के एक आर्म का छोटा सा टुकड़ा जो है वो डिलीट हो चुका है. इन्वर्जन में एक आर्म का टुकड़ा जो है वो उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्जन के अंदर, देखिए इन्वर्ट हो गया यानी उल्टा हो गया है. आइसोक्रोमोसोम एक एबनॉर्मैलिटी है जिसमें देखो कि क्रोमोसोम का जब सेपरेशन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है, ऐसी क्रोमोसोम में कैसा हो गया, ट्रांसवर्स सेपरेशन हो रहा है. इसी तरह से डेरिवेटिव क्रोमोसोम है, डिराइव्ड हो गया, इसमें क्या है कि एक आर्म के एक क्रोमोसोम के साथ में दूसरे क्रोमोसोम की आर्म जुड़ गई. इंसर्शन एक क्रोमोसोम के अंदर दूसरे क्रोमोसोम का कोई पार्ट आकर के घुस गया है, इंसर्ट हो गया है. और रिंग क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, एक्चुअली क्रोमोसोम के अगर किनारे एक क्रोमोसोम को आप लें उसके किनारे अगर कट जाएं तो वो दोनों किनारे आपस में स्टिकी होकर के चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम किनारे स्टिकी होते हैं तो चिपक जाएंगे तो रिंग जैसी शेप को लेते हैं, इसको रिंग क्रोमोसोम कहते हैं. तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं डिलीशन, इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, छोटा सा, जनरली छोटा सा सेगमेंट जो है वो लॉस हो जाता है.
ये स्पॉन्टेनियसली भी लॉस हो सकता है या इंड्यूस्ड हो सकता है, हमने किसी रेडिएशन से, यूवी केमिकल या वायरस की वजह से हमने इंड्यूस करवाया, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जो मैंने आपको लास्ट क्लास जीन म्यूटेशन में पढ़ाया था। डिलीशन बेस्ड होता है अनपेयर्ड रीजन पे, नॉर्मल क्रोमोसोम के अनपेयर्ड रीजन में कोई चीज़ डिलीट हो गई, जिससे कि लूप बन सकता है, पैकाटिन स्टेज के दौरान जो लूप प्रोड्यूस हो रहा होता है वो डिलीशन का, इसमें डिटेक्शन एक्चुअली सॉरी अपन अनपेयर्ड रीजन से कर सकते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम के अनपेयर्ड रीजन से इसको अपन, के भाई वो पेयरिंग हो ही नहीं रही, तो आपको कैसे पता चला कि डिलीशन हुआ, कि अनपेयर्ड रीजन आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल क्रोमोसोम में, जिसे कि लूप बन जाता है पैकाटिन स्टेज में, ऐसा देखा जाता है। सबसे पहले इसको ब्रिजेस ने 1917 में डॉर्सोफिला में देखा था, तो ये जो है इन्होंने बताया कि ऐसी एक प्रोसेस है, ऐसी एक चीज़ है जो हो जाती है। ये डिलीशन टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है। टर्मिनल में जो टर्मिनल सेगमेंट, किनारे का जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, वो लॉस हो जाता है। 1938 में मुलर पॉस्टुलेट एक आई थी जिसमें टीलोमियर का लॉस हो जाता है, जिससे कि क्रोमोसोम जो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको हम कॉमनली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिसे मेज के अंदर देखा जाता है। अब मैंने कहा कि भाई एक तो टर्मिनल होता है और एक दूसरा इंटर कैलरी, जिसके अंदर जो सेगमेंट लॉस हो रहा है वो सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में होता है, मतलब किनारे पर नहीं है, किनारे और सेंटर के बीच का कोई पार्ट हट गया, कॉमनली डॉर्सोफिला में ऐसा देखा था। अब डिलीशन से क्या असर पड़ता है भाई, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, जो अपन पढ़ते हैं मियोसिस के दौरान, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस पर इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म की, तो ये नुकसान है। अब देखें डिलीशन दिखाया गया, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी था, इसमें से हट गया सी, तो ये ऐसा रह जाएगा क्रोमोसोम, ये डिलीशन है। अब डुप्लीकेशन यानी डबल हो जाना, जब सेम क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट दो बार आ जाए, यानी डुप्लीकेशन अगर ट्वाइस अकरेंस हो जाए, ये भी ब्रिजेस ने 1919 में बताया था। अनईक्वल क्रॉसिंग ओवर के दौरान उन्होंने देखा था कि इन्वर्जन या ट्रांसलोकेटेड हेटरोजाइगोट्स के अंदर ये देखने को मिला था डुप्लीकेशन, इसको भी डिटेक्ट किया गया था लूप की प्रेजेंस से, डुप्लीकेटेड रीजन जो है पैकाटिन स्टेज में उनको दिखाई दिया था। ये भी इंट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो सकता है, जिसमें टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये केस सीक्वेंस है जीन्स का, जिसमें डुप्लीकेटेड सेगमेंट जो है सिमिलर आपको दिखाई देंगे और क्रोमोसोम के ओरिजिनल सेगमेंट के जीन्स की सीक्वेंस के जैसे ही आपको डुप्लीकेटेड सीक्वेंस वहाँ पर सेगमेंट दिखाई दे जाएगा, ये टेंडम रिपीट्स होता है। दूसरा होता है रिवर्स टेंडम, इसमें जीन्स का सीक्वेंस जो है वो डुप्लीकेटेड सेगमेंट में वो रिवर्स्ड हो जाता है ओरिजिनल सेगमेंट के जीन सीक्वेंस से, क्रोमोसोम के ओरिजिनल सेगमेंट से रिवर्स हो जाएगा, उल्टा दिखाई देगा, तो रिवर्स टैंडम रिपीट हो रहा है पर रिवर्स टैंडम में। इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन देखिए, तो था इंट्रा सेम क्रोमोसोम में हो रहा था, अब इंटर क्रोमोसोमल में डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेट हो सकता है। डिस्प्लेस्ड के अंदर डुप्लीकेटिंग सेगमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट में नहीं, बल्कि दूसरी जगह पर, सेम क्रोमोसोम में दूर जगह पर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट से दूर इनकॉर्पोरेट हो गया, तो डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेट में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इनकॉर्पोरेट हो गया किसी अलग क्रोमोसोम में, डिस्प्लेस में सेम क्रोमोसोम में ही किसी दूर जगह चला गया और ट्रांसलोकेट में दूसरे क्रोमोसोम में जाकर के घुस गया, इनकॉर्पोरेट हो गया और डुप्लीकेशन हो गया, जैसे कि नीचे ए बी सी डी ई एफ जी दिखाया गया है। तो इसमें ए बी सी डी में ई एफ जो है उसमें एफ वापस से रिपीट हो गया है, तो ई एफ एफ जी एफ रिपीट हो गया, तो डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन से क्या होगा भाई, नए जीन्स ओरिजिन होते हैं मेनली डुप्लीकेशन की वजह से, तो उससे क्या होगा, इवोल्यूशन, उद्गम उत्पत्ति, जो आप जो भी बोलते हो हिंदी में इसको, इवोल्यूशन में ये हेल्पफुल है। कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी भी इससे डबल हो जाती है, जैसे क्रोमोसोम 6 है बार्ले के अंदर, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है उसमें। नेक्स्ट है इन्वर्सन, इसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट जो ओरिएंट हुआ था वो रिवर्स पोजीशन पे आ जाता है, 180 डिग्री घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये स्टुटवेंट और पुनेट ने 1921 में डॉर्सोफिला में इसकी स्टडी करी थी, इन्वर्जन लूप पैकाटिन के दौरान इसको देखा था, डिटेक्ट किया था, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। ये पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक दो तरह का होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में इन्वर्टेड सेगमेंट जो है वो सेंट्रोमियर में इंक्लूड नहीं रहता,
एक आर्म में ही कन्फाइंड रहता है, तो पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक सेंट्रोमियर इसमें इंक्लूडेड रहेगा, यानी दोनों आर्म में देखा जाएगा। सेंट्रोमियर वाले रीजन में देखो तो सेंट्रोमियर पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा, तो फिर दोनों आर्म्स में देखने को मिलेगा ना, जबकि पैरासेंट्रिक में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक आर्म पर देखने को मिल रहा है, इन्वर्सन हो रहा है। अब पहले डायग्राम देख लीजिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे बताया हुआ है। इसके अंदर देखो ए बी सी तक तो ठीक था, फिर डी ई एफ जी जो था वो उल्टा हो गया है, और आई जे के सेम है, आई जे के सेम है, ए बी सी सेम है, बीच का एक पार्ट 180 डिग्री तक घूम गया है। तो डी ई एफ जी एच ये पार्ट घूम गया है, जो ये लाइनें बनाई हुई है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 180 डिग्री पर डी ई एफ जी एच घूम गया, उल्टा हो गया, तो एच जी एफ ई डी बन चुका है। इसके क्या असर पड़ता है, पार्शल मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, जिन लोगों में ये हो जाता है उसमें पार्शल मेल स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी इनफर्टाइल हो जाएंगे पार्शली वो लोग। रेसेसिव म्यूटेशन बनता है इससे, ये ज़्यादा एक्टिव जीन्स जो हैं, मोर एक्टिव जीन्स टू साइट्स जनरली इनएक्टिव, मोर एक्टिव जीन्स जो है उस साइट पर जनरली इनएक्टिव रहते हैं, लूज जीन फंक्शन करने लग जाते हैं, या वाइस वर्सा, भाई जो ज़्यादा एक्टिव थे वो लेस एक्टिव बन जाएंगे, जो लेस एक्टिव थे वो ज़्यादा एक्टिव बन जाएंगे, ये हो जाता है इसके इन्वर्जन का ये असर भी। उल्टा हो गया ना तो चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी। नेक्स्ट है भाई ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में सेगमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है इस तरह से कि वो ऐसा लगता है जैसे इंटीग्रेट है सेम में, या होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हो गया होगा। इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन एट द पैकाइटिन, पैकाइटिन में क्रॉस शेप की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, या हो सकता है किसी म्यूटाजन की वजह से हमने उसमें इंड्यूस्ड करवाया हो। म्यूटाजन क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसको पढ़िए आप। टाइप्स कितने तरह का हो सकता है, तो क्रोमोसोम जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में इंट्रा रेडियल एक्स्ट्रा रेडियल हो सकता है, यानी सेम आर्म में शिफ्टिंग हो रही है तो इंट्रा रेडियल, अलग अलग आर्म में से ये ट्रांसलोकेट हो गए तो एक्स्ट्रा रेडियल। अब इंटर क्रोमोसोम में भी क्या होता है, फ्रेटरनल और एक्सटर्नल। फ्रेटरनल में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में शिफ्टिंग हो रही है, एक्सटर्नल में ऑब्वियस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में शिफ्टिंग हो रही होती है। फिर ये रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल, जिसको अपन रॉबर्टसोनियन कहते हैं भाई, रेसिप्रोकल में एक्सचेंज हो रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट्स के बीच में, या सेम क्रोमोसोम्स के रीजन्स के बीच में शिफ्टिंग हो रही होती है। जबकि नॉन रेसिप्रोकल जिसको अपन रॉबर्टसोनियन कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम सेगमेंट मूव हो रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, या सेम क्रोमोसोम रीजन जो है बिना रेसिप्रोकल चेंज किए चेंज हो रहा है। तो देखो डायग्राम में आप देख सकते हो पिंक और ग्रे कलर में दो क्रोमोसोम के नीचे की आर्म्स चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। देखो ये ट्रांसलोकेट हो गई, इसकी आर्म इधर आ गई, उसकी आर्म इधर चली गई करके ऐसे ट्रांसलोकेट हो गए। अब इसमें क्या है कि डिपेंड कर रहा होता है कितने ब्रेक्स लगे हैं, तो सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, रिंग क्रोमोसोम लगभग इसके जैसा ही, और रॉबर्टसोनियन जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। सिंपल ट्रांसलोकेशन में एक ही ब्रेक लगता है टर्मिनल सेगमेंट पे क्रोमोसोम के, जिससे कि एक एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में घुस जाएगा। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में तीन ब्रेक्स लगेंगे इंटरकैलरी सेगमेंट पे क्रोमोसोम के, जिससे कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ में ये इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। रिंग क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था कि हर एक आर्म पर जो है वो कट लग गए, ऊपर और नीचे कट लग गया, तो दो एंड बन जाएंगे जो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ये दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। आप देखिए एक सीधी लाइन है, ऊपर से उसको काट दिया, नीचे से उसको काट दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया, तो एक रिंग जैसे डिस्टल फ्रेगमेंट इसके लॉग जो कटे थे वो तो लॉस्ट हो जाएंगे, और वो स्टिकी एंड आपस में चिपक करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको अपन रिंग क्रोमोसोम कहते हैं। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर के पास होते हैं उनमें ब्रेकेज हो जाता है, और फिर उसका फ्यूज़न हो जाता है लॉन्ग आर्म्स का, और शॉर्ट आर्म गायब हो जाएगी। भाई देखो रेसिप्रोकल के अंदर तो क्या है, नीचे के दो पार्ट कटे और आपस में इंटरचेंज हो गए थे, और रॉबर्टसोनियन में क्या हो जाता है, ऊपर की दो क्रोमोसोम्स के ऊपर की आर्म्स ही पूरी पूरी गायब हो गई, तो वो दो क्रोमोसोम आपस में चिपक गए। तो देखो ग्रे और पिंक एक क्रोमोसोम में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के पार्ट थे। इसको अपन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं भाई, पहले वाला नहीं था, इसको क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ये रॉबर्टसोनियन है,
ट्रांसलोकेशन, ऐसे ट्रांसलोकेशन का इफेक्ट क्या दिखाई देगा, क्रोमोसोम की पूरी पूरी मॉर्फोलॉजी बदल जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से रेसेसिव लीथल्स बन जाते हैं, और इम्पेयर्ड फर्टिलिटी दिखाई देने को मिल रही होती है, मतलब फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे लोगों में। अब ख़त्म इसके साथ में आपका स्ट्रक्चरल एबरेशन। तो स्ट्रक्चरल एबरेशन जो है उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग की स्टडी अपन कर सकते हैं, उसके बिहेवियर का सेल डिवीजन के दौरान अपन पता लगा सकते हैं, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जो लोकेटिंग जीन्स है उनकी स्टडी कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में जो अपने कोई काम का नहीं है, और इवोल्यूशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रक्चरल एबरेशन का। तो ये सारी चीज़ें एक साथ दिखाई गई है, डिलीटेड में देखो बीच में से पार्ट डिलीट हो गया, बी सी डी उड़ी गया, तो देखो इतना छोटा सा रह गया क्रोमोसोम की आर्म, जबकि पहले GHI वाली आर्म छोटी थी, अब ये आर्म छोटी हो गई, डुप्लीकेशन में बढ़ गई भाई यही चीज़ें, बी सी डी जो था वो वापस रिपीट हो गया, वापस बी सी डी आ गया, तो ये आर्म लंबी हो गई, इन्वर्जन में बी सी डी इन्वर्ट हो गया, डी सी बी बन गया है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में देखिए भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे था, और नीचे वाले में दूसरा था पार्ट सी एल वाला, के एल एम एन ओ पी क्यू आर था, यहाँ पर देखो के एल एम तो ऊपर आ गया, ए बी सी नीचे आ गया, यानी ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ऊपर वाले ए बी सी की जगह के एल एम आ गया, नीचे के एल एम की जगह ए बी सी आ गया, तो ए बी सी एन ओ पी क्यू आर बन गया, ऊपर के एल एम डी ई एफ जी एच आई जे बन गया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैंने आपको बता दी, ख़त्म स्ट्रक्चरल वाला। तो नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने कहा कि क्रोमोसोम में जो एब्रेशन देखने को मिलता है वो दो तरह का होता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, या क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंज आएगा। न्यूमेरिकल चेंज फिर दो तरह का होता है, उसके सेट में पूरे पूरे सेट में चेंज आना, या उसके नंबर में चेंज आना। अगर पूरा पूरा सेट चेंज होता है तो उसको हम प्लॉयडी कहते हैं, अगर नंबर चेंज होता है तो हम उसको जोमी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल एबरेशन में क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएंगे, इसको न्यूमेरिकल एबरेशन या न्यूमेरिकल एबनॉर्मैलिटी कहते हैं। न्यूमेरिकल एबरेशन दो तरह के होते हैं, प्लॉयडी जो अपन सेट पढ़ रहे हैं पहले, प्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी में हाइपरप्लॉयडी हाइपोप्लॉयडी, यानी नंबर का कम होना नंबर का ज़्यादा होना, सेट का कम होना सेट का ज़्यादा होना। यूप्लॉयडी मोनोप्लॉयडी डाइप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी, ये न्यूमेरिकल एबरेशन देख लीजिए भाई, एन्यूप्लॉयडी यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी या मोनोप्लॉयडी में हैप्लॉयड नंबर रह जाएगा, डाइप्लॉयडी में डिप्लॉयड नंबर, और पॉलीप्लॉयडी में ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड नंबर रह जाएंगे। एन्यूप्लॉयडी में जो हाइपरप्लॉयडी और हाइपोप्लॉयडी था, हाइपरप्लॉयडी में ट्राइजोमी टेट्राजोमी पढ़ते हैं, जिसमें एक नंबर बढ़ गया या दो नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ रहा है सीधा, और हाइपोप्लॉयडी में एक नंबर कम हो गया और दो नंबर कम हो गए, एक नंबर कम हो गया 2n-1 दो हो गए तो 2n-2, एक कम होता है उसको मोनोजोमी, दो कम हो गए नलीजोमी कहलाएगा, और एक नंबर बढ़ गया ट्राइजोमी, दो बढ़ गया टेट्राजोमी, तीन बढ़ गया तो पेंटाजोमी, ऐसे करके नंबर बढ़ते जाएंगे। पर जनरली अपन जो देखने को केसेस मतलब ट्राइजोमी टेट्राजोमी तक ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलेंगे। अब पहले एन्यूप्लॉयडी को पढ़ लेते हैं, इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए पर पूरा सेट चेंज नहीं होता, सिर्फ एक या दो नंबर ही घटते बढ़ते हैं। मेनली क्यों दिखाई देता है ये, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, जो मियोसिस के दौरान आप पढ़ते हो डिसजंक्शन। प्लांट्स में तो टॉलरेटेड होता है पर एनिमल्स के लिए लीथल घातक हो जाता है। इसके वेल नोन एग्जांपल्स में अपन ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस पढ़ते हैं। अब एन्यूप्लॉयडी में सबसे पहली आती है हाइपरप्लॉयडी, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं डाइजोमिक कंडीशन से ज़्यादा, 2n से ज़्यादा, जिसमें सबसे पहले डाइजोमिक तो नॉर्मल है, ट्राइजोमी अगर हो गई 2n+1, इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया डिप्लॉयड सेट के एक पेयर में। अब दो तरह की हो सकते हैं, सिंपल और डबल। सिंपल ट्राइजोमीज में क्रोमोसोम का नंबर एक पेयर में बढ़ता है 2n+1, और डबल ट्राइजोमी में एक क्रोमोसोम में दो डिफरेंट पेयर्स में एडिशन होता है 2n+1+1, तो ये ट्राइजोमीज है। ट्राइजोमी का एग्जांपल आप जानते हो डाउन सिंड्रोम, इसी का एग्जांपल है टेट्रासोमी। डाउन सिंड्रोम आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी बच्चों, आपको बता दूं मैं, डाउन सिंड्रोम अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका अलग से। अब टेट्राजोमी 2n+2 हो जाएगा, इसमें दो क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर में या दो अलग अलग पेयर्स में बढ़ जाते हैं 2n+2, ये भी सिंपल और डबल हो सकता है। दो क्रोमोसोम एक ही पेयर में बढ़ गए तो सिंपल टेट्राजोमी, और दो क्रोमोसोम ऐड हुए हैं हर एक डिफरेंट पेयर, दो डिफरेंट पेयर के अंदर, तो 2n+2+2।
ये तो था ज़्यादा होना, अब कम होने पर आ जाइए। अगर क्रोमोसोम का नंबर डाइजॉमिक कंडीशन से कम हो गया, मोस्टली ये पॉलीप्लॉइड्स में जैसे वी टोबैको में देखा जाता है, ह्यूमंस में कमी देखने को मिलता है, पर इसमें जो मोनोजोमी होती है वो ह्यूमन में होती है 2n-1 जैसे देखने को मिल गई, जिसमें डिप्लॉइड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो गया। प्लांट में इन्होंने बताया, पर अपन तो मोनोजोमी में अपन टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं, ह्यूमन में फीमेल्स में देखा जाता है। डबल मोनोजोमी भी जैसे अपन ने ट्राइजोमी डबल पढ़ी थी वैसे हो रहा है कि एक क्रोमोजोम दोनों डिफरेंट पेयर्स में बढ़ गया 2n-1-1। नलीजोमी पूरा पूरा पेयर, एक पेयर क्रोमोजोम सा डिप्लॉइड सेट से गायब हो गया। अब देख लीजिए भाई, नॉर्मल डिप्लॉइड 2n होते हैं जैसे ए ए बी बी सी सी, मोनोजोमी में एक कम हो गया 2n-1 तो ए ए बी बी और सी कम हो गया भाई। नलीजोमी में दो पूरे पूरे कम हो गए 2n-2 तो ए ए बी बी। पॉलीजोमिक में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया जैसे ट्राइजोमिक में 2n+1 तो एक सी बढ़ गया। डबल ट्राइजोमिक में बी भी बढ़ गया, सी भी बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। टेट्राजोमी में 2n+2 हो रहा है जिसमें सी सी डबल बार आ गया। ऐसे ही पेंटाजोमिक में है, देख लीजिए आप। यहाँ एग्जाम्पल बताए गए ट्राइजोमी के, तीन एग्जाम्पल्स होते हैं ह्यूमन्स के अंदर। 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी देखने को मिलती है, 18वें क्रोमोसोम की और 13वें क्रोमोसोम की, 21वां सबसे ज़्यादा 800 में से एक केसेस, 18वां क्रोमोसोम 6000 में से एक केसेस और ट्राइजोमी 13 में 15000 में से एक केसेस देखने को मिलता है। ट्राइजोमी 21 को अपन डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइजोमी 18 को अपन एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं और ट्राइजोमी 13 को अपन पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? डाउन सिंड्रोम में पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है, पाम क्रियासिस हाथ की लाइनों का पैटर्न उनका बहुत एबनॉर्मल होता है, आईज स्लैंट हो जाती हैं, आईज स्लैंटेड दूर दूर सी, फ्लैट फेस होता है, चांद जैसा मुखड़ा और शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम होती है इन लोगों की। एडवर्ड सिंड्रोम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रिटार्डेड होते हैं लोग, फेशियल इनका एबनॉर्मल फीचर्स होते हैं फेशियल के, मसल टोन्स इनकी एक्सट्रीम होती है और ये बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। पटाऊ सिंड्रोम में भी मेंटल और फिजिकल रिटार्डेड होते हैं ये लोग, इनके ऑर्गन्स भी डिफेक्टिव होते हैं, लार्ज तिकुनी सी नाक होती है और इनकी भी जल्दी डेथ हो जाती है। अब यही ट्राइजोमी अगर अपन सेक्स क्रोमोजोम में देखें तो एक्स एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई वाई हो सकता है, ट्रिपल एक्स हो सकता है और मोनोजोमी में एक एक्स कम हो सकता है। एक्स एक्स वाई 1000 में से एक केस मेल्स में देखने को मिलता है जिसको अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ऐसे लोग सेक्सुअली इमैच्योर होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर मतलब इनमें स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते, ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह डेवलप हो जाती हैं। एक्स वाई वाई 1000 में से एक मेल्स में जैकॉब सिंड्रोम कहते हैं, ये लोग काफ़ी लंबे होते हैं। ट्रिपल एक्स 1500 में एक केस फीमेल्स में देखने को मिलता है, इसमें ट्रिपल एक्स देखने को मिलता है, ये लंबी पतली होती है, इनमें महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। और एक्स ओ क्रोमोसोम 5000 में से एक केस देखने को मिलेगा फीमेल्स का, इसको अपन टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, इंपॉर्टेंट होता है टर्नर सिंड्रोम। ऐसी महिलाएं शॉर्ट स्टैचर की होती है, इनकी नेक वेब्ड नेक होती है, जाली सी बनी हुई होती है, जाल बना होता है इनकी गर्दन में और सेक्सुअली ये फीमेल्स डेवलप्ड नहीं हो पाती, नॉर्मल दिखती हैं पर सेक्सुअली अनडेवलप्ड होती हैं ये फीमेल्स। नेक्स्ट आ जाइए यूप्लॉइडी के ऊपर, ये कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पूरा पूरा सेट क्रोमोसोम का जो है ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। जैसे मोनोप्लॉइडी में सिंगल बेसिक सेट ही क्रोमोसोम का रहेगा, होता तो डबल है अपने अंदर पर इसमें सिंगल सेट यानी एन रह जाएगा। और पॉलीप्लॉइडी में मोर देन दो मल्टीपल्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के सेट, जैसे ट्राइप्लॉइडी में 3n, टेट्राप्लॉइडी में 4n, जबकि मोनोप्लॉइडी में केवल एक एन है। पॉलीप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। बस इसके साथ आपका ये क्रोमोसोमल एब्रेशन नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। कोई डाउट हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने CR को व्हाट्सअप कर दीजिए, क्वेश्चन मुझ तक पहुँच जाएगा। इसके बाद आप, मैं आपको आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी क्वारीज को सॉल्व कर दूंगी। अगर डाउट नहीं है तो इसको पढ़िए, याद करिए, इम्पॉर्टेंट है।